यह एक बहुत ही पुरानी कथा है। वाराणसी के निकट एक शीलवान गृहस्थ रहता था, जिसके घर के सामने का मार्ग वाराणसी को जाता था। उस मार्ग के किनारे एक गहरा कुआं था, जिसके निकट लोगों ने पुण्य लाभ हेतु जानवरों को पानी पिलाने के लिए द्रोणी बांध रखी थी। अनेक आते जाते राहगीरी जब कुएं से पानी खींचते तो जानवरों के लिए भी द्रोणी में पानी भर जाते थे। एक दिन वह गृहस्थी भी उस राह से गुजरा, उसे प्यास लगी। वह उस कुएं के पास गया और पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। तभी उसकी दृष्टि प्यास से झटपटाते एक बंदर पर पड़ी, जो कभी कुएं के पास जाता तो कभी द्रोणी के पास। गृहस्थ को उस बंदर पर दया आई, उसने कुएं से जल खींचकर खाली द्रोणी को भर दिया। बंदर ने तब खुशी खुशी द्रोणी में अपना मुंह घुसाया और पानी से अपना प्यास बुझा ली। फिर बंदर उस गृहस्थ को मुंह चुड़ा चुड़ा कर डराने लगा। गृहस्थ जो उस समय निकट ही पेड़ के छाव में आराम कर रहा था, वह बुदबुदाया, अरे जब तू प्यास से तड़प रहा था तो मैंने तेरी प्यास बुझाई, अब तू मेरे साथ ही ऐसी दृष्टता कर रहा है, क्या तू और कोई अच्छा कर्तव्य नहीं दिखा सकता? बंदर ने तब ये कहा, हाँ मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। फिर वह कूदता हुआ उस पेड़ के ऊपर पहुँच गया, जिसके नीचे राहगीरी विश्राम कर रहा था। पेड़ के ऊपर से उसने राहगीरी के सिर पर विष्ठा की ओर कूदता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गुस्से में राहगीरी ने तब फिर से पानी खींचकर अपने चेहरे व कपड़े को साफ किया और अपनी राह को आगे बढ़ गया। लेकिन वह यह सोचता हुआ गया कि अब वह किसी की भी मदद नहीं करेगा।